कि दलित वर्ग का शुष्क बगीचा एक संजोया एक ने सींचा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, जीवन पर्यंत संघर्ष किया, हम उनके इकट्ठे किए हुए शहद को चाट रहे हैं बड़ी खुशी से, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बाबा साहब के विचारों को लेकर के कैसे समाज को हम वो शहद टेस्ट करा दें। नहीं सोच पा रहे मेरे नौजवान। तो मैंने ये कहा है ना कि आप बाबा साहब का नाम या तो लेना बंद करो, जो लेते हैं लेना चाहते हैं वो सच्चे मन से लीजिए और उनके विचारधारा में उसी तरह से डुबकी लगाइए जैसे एक दरिया में आदमी नहाता है तो बड़े प्यार से डुबकियां लगाकर और अपने मन को शांत करता है। इसके अलावा कितने मेरे ऐसे साथी हैं जो गांव में होने वाले बहन बेटियों के साथ या भाइयों के साथ अत्याचारों में शामिल हो जाते हैं, नहीं होते। मैं पार्टियों की बात नहीं करता हूं, मैंने हर पार्टी को बड़े नजदीकी से पूंछ उठा उठा कर देखा है। मेरा जीवन का कार्य क्षेत्र समाज रहा है और लगभग 60 साल मुझे समाज में काम करते हुए, हमें सबसे पहले ये तय करना होगा मेरे नौजवान साथियों को कि मैं अपने घर में कितने स्वाभिमान से अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। क्या हम बेटियों को पूरा एजुकेशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे। क्यों? अरे बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार बराबर का दिया है, अगर बाप आपको संपत्ति दे के छोड़ के गया है तो गला पकड़ कर ले लेगी आधी संपत्ति वो, तो उसको पूरा अधिकार क्यों नहीं दे रहे? उन्हें एजुकेशन देना, अगर नहीं दे रहे हो तो समाज को आप बहुत पीछे ले जा रहे हो। मेरे घर में घर बहन बेटियां जिस रोज भगवान बुद्ध का दीप जलाने लगेंगी, यहां की तो देश में दलित क्रांति को कोई रोक नहीं सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास। मैं देख रहा हूं, मैं भाई बालक राम को भी देख रहा हूं, आज आप लोगों को बुलाने की जो हिम्मत की है, कोशिश की है, उसके अंदर कुछ कचोच रहा है कि वो चारों तरफ देख रहे हैं, जाते हैं आते हैं देते हैं, लेकिन जो उद्देश्य समाज के हित में होना चाहिए वो संस्थाओं में नहीं हो रहा। जेब भी कटवाइए खूब। नहीं, लेकिन मैं हूं। अरे 150-200 लोग साथ होने लगते हैं तो हर कोई कलवे चाटने के लिए राजनीति में चल देता है। राजनीति बनना चाहो तो ऐसे बनाओ जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, जगजीवन बाबू थे और मानवर काशीराम, उसके बाद कोई राजनीति नहीं है। सब चापलूस हैं, तलवे चाटने वाले अपने को बचाने के लिए किसी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, किसी के तलवे चाट लेते हैं। मैं नजदीकी से जानता हूं, जिसका नाम लोगे मेरे समाज के आदमी का, मैं उसके बाद 1960 के बाद का कोई भी नेता मुझे बता दीजिए, मैं उनके बायोग्राफी आपके सामने रख दूंगा। इसलिए तो मेरे समाज का पतन हो रहा है। बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था कि हमें
सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, अलग निर्वाचन चाहिए। वो बहुत दूरदर्शी थे, अगर लेकिन गांधी उतना ही तेज था, उसे खतरा था कि अगर निर्वाचन पृथक निर्वाचन हो गया तो बुद्धिजीवी दलित आएगा जो तुम्हारे इन ब्राह्मण बणियों की कायस्थों की इनकी बात नहीं करेगा, वो अपने अधिकार की बात करेगा। आज जितना पॉलिटिकल चापलूस है, हम कहते हैं, हम तो आवाज देना चाहते हैं कि हमें अब राजनीतिक आरक्षण की जरूरत नहीं है, हम गुलाम बहुत पैदा कर चुके हैं, तलवे चाट चुके हैं, क्या दिया है हमें इन लोगों को, हम इस समाज ने चप्पल टूटी हुई, जूते टूटे हुए, कपड़े एक जोड़ी, आज वो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, तो समाज को क्या दे दिया। मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, सारे नेताओं पर नजर डाल के देख लीजिए। तो मेरे मित्रों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा दुख ही माने, मैं ये कहता हूं कि चैरिटी बिकेम एट होम। आप अपने घर का प्रयास करिए कि मैं अपने घर को स्वाभिमानी बना दूं, बाबा साहब को और बाबूजी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बेटियां बहनें और मेरे नौजवान साथी एकजुट होकर आगे हो जाएंगे अगर वो शिक्षित होंगे सामाजिक परिवर्तन के लिए। मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं पुनः यही कहता हूं कि अपने आप को सुधारो, अपने आप को बनाओ, और उन जिनका आप शेर खा कर करके हिस्सा खा करके आरक्षण का हिस्सा खा करके धौल पोस और लाल गाल लिए बैठे हो, उन गरीबों के लिए भी देख लो। और नहीं तो वो जमाना समय आने वाला, वही मेरे भाई भतीजे आपके खाल खींच लेंगे, जैसे मेरे बाप दादे लोग पशुओं की खाल खींचते थे। अगर तुम में परिवर्तन नहीं आया, अपने में परिवर्तन नहीं लाए, तो वो तुम्हें दूसरों की तो हो रहा है। कोई हिंदू आपको देख के आपकी आपका ट्रांसफर होता है तो आप जाने से पहले आपकी जाति वहां पहुंच जाती है, आपकी सीआर गलत होती है, एक्सीलेंट होते भी गुड लिखते हुए रोते हैं, लेकिन आरक्षण के नाम पर आपको रिजर्व पैसा मिला, पर नौकरी मिली है। कम से कम अपने घर को सुधार दो, लेकिन कुछ उन भाई भतीजों और गरीब साथियों के बच्चों के लिए भी कुछ सोचो, मेरी ये विनती है। जय भीम, जय भारत, जय जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।